नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम राहुल राठौर है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। फिलहाल मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा से बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। अभी वेकेशन चल रहे हैं, तो इस वेकेशन में मैं अपने नए यूट्यूब चैनल राहुल राठौर ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड और जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ या जो भी एक आम इंसान की ज़िंदगी में इंटरेस्टिंग इवेंट होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों पर वीडियो बनाऊँगा। तो मेरा पहला ब्लॉग वीडियो साइंस सिटी पर आधारित है। दरअसल हम सेकेंड सेमेस्टर में साइंस सिटी जो कि अहमदाबाद में स्थित है वहाँ पर घूमने गए थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसकी एडिटिंग करके मैं अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगा। परफेक्शन इज़ इक्वल टू इन एक्शन। इसका मतलब है कि यदि हम ज़िंदगी में परफेक्शन का इंतज़ार करेंगे तो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं परफेक्शन का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे पास एक अच्छा DSLR कैमरा होगा, माइक होगा, अच्छी कंडीशंस होगी, सब कुछ ज़िंदगी में परफेक्ट होगा तो मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट करूँगा। ब्लॉग चैनल बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में पहले ही सेमेस्टर में आ चुका था, लेकिन परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो मैं यहीं से अपने ब्लॉग चैनल की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास अभी माइक भी नहीं है, कल माइक आ जाएगा तो आपको आने वाले ब्लॉग में साउंड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा फिजिक्स वाला, जिसके फाउंडर अलक पांडे हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और करियर की शुरुआत एक छोटे से कमरे में वाइट बोर्ड से की थी। वो वाइट बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते थे और फिजिक्स की वीडियो अपलोड करते थे। अगर वो अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन का इंतज़ार करते कि मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे लोगों की, अच्छे टीचरों की एक टीम होगी, अच्छी कंडीशन होगी, अच्छा कैमरा होगा, तो मैं यूट्यूब चैनल की शुरुआत करूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो शायद हमें और हमारे इस देश को फिजिक्स वाला के नाम से 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं मिल पाता। आज उनकी इस एक्शन की वजह से कई गरीब बच्चों को मात्र 4,000 रुपये सालाना में JEE और नीट की तैयारी करने का मौका मिल पाया है। उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी सस्ता कर दिया है, इसीलिए हमें भी हमारी ज़िंदगी में परफेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कंपिटेटिव एग्जामिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि मेरा एक अच्छी बड़ी कोचिंग में एडमिशन होगा, अच्छे टीचर पढ़ाने को मिलेंगे तो मैं तैयारी शुरू करूँगा। यूट्यूब पर आपको किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिंग की तैयारी के लिए फ्री में कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ आज के मैं अपने पहले ब्लॉग की साइंस सिटी टूर की शुरुआत करना चाहूँगा। शुरुआत में आपको मेरे ब्लॉग की क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को ना मिले, लेकिन जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। किस तरह से कैमरे के सामने देखना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से एडिटिंग करनी है, और धीरे धीरे करके ब्लॉग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। यह साइंस सिटी अहमदाबाद में सरदार रिंग रोड के किनारे पर है। हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है। मंडे के दिन साइंस सिटी की छुट्टी रहती है, तो उस दिन मत जाइए। टिकट की जानकारी वीडियो में आगे दी जाएगी कि किस चीज़ का कितना टिकट लगता है। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है। और ये हमारे सब फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स हैं। और ये सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके अंदर जाते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना टिकट लगता है। अगर आप ग्रुप बनाकर जाते हैं तो आपका टिकट कम लगेगा, और अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो टिकट की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। और पार्किंग के लिए भी नीचे बताया है कितना टिकट लगता है, तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हैं। साइंस सिटी के गार्डन में आ चुके हैं। ये सभी हमारे प्रिय मित्रगण हैं। हाँ, एक ही मिराज भाई, आयुष भाई सर। तो अभी जो सामने आप देख रहे हो ये एक थ्रिलर राइड है। इस राइड का टिकट जो है वो 30 रुपये है। इसके अंदर में 3D वीडियो दिखाया जाता है, इसके लिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है, 3D चश्मा, और काफ़ी मज़ा आता है। जिस तरह से वीडियो के अंदर मूवमेंट होती है उसी तरह से ये जो राइड है वो हिलती है। अभी अंदर में आपको जाके बताऊँगा। चलो अब हम जाते हैं थ्रिलर राइड की तरफ। फ्लाइट का नाम है फ्लाइट एवोनिक्स टाइटन 30। Yeah.
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पहला व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अभी तक आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो जो है वो एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी का होगा, क्योंकि ये वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था इसलिए मुझे दूसरा व्लॉग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।